भोपाल से आने जाने वाली ट्रेन में चाकू और डंडों से यात्रियों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग जीआरपी के हत्थे चढ़ गई। पकड़े गए छह आरोपियों ने 26 मार्च को बिलासपुर भोपाल पैसेंजर में एक यात्री को लूट लिया था और चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए। फरियादी ने इसकी शिकायत की थी। बैग में 3 लाख रुपए और सोने के जेवर थे। जीआरपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी संसाधनों के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब लोकल में पूछताछ शुरू की फोटोजों के आधार पर और गाड़ी के आधार पर, तो फिर हमको पहला आरोपी जो था अबू सर करके है, जो गंज बसौदा का रहने वाला है, जो जिसकी उम्र करीब 18 साल से ज़्यादा है थोड़ी सी, वो मिला। और फिर जब उससे पूछताछ करी तो पूरे मामले का खुलासा पा गया। सभी आरोपियों को उसने बताया कि किस तरह से उसने, अबू सर ने और उसका एक और साथी था गंज बसौदा का, वो विधि विरुद्ध बालक है, नाबालिग है, इन दोनों ने मिलकर सूचना दी थी कि इस तरीके से जो राजेश सोनी सामान लेके जाते हैं और कैसे योजना बना के हम लोग उसको लूट सकते हैं। और बाकी जो 4 लोग थे वो भोपाल के थे। तो भोपाल के 4 लोगों में से एक वो था जो जिसने जो है एक्टिवा उपलब्ध कराई थी बाहर, उनको भागने में मदद करती, आदिल करके था, जो रहने वाला काजी के पलाके का।